हाय हेलो नमस्कार। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स को लेके एक बड़ी खबर आई है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये खबर छपी है और इसको समझने के लिए आपको धैर्य चाहिए। 5 मिनट का अगर आप समय देंगे तो मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग दिस, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट फरमाइश हमारा टेस्ट सीरीज है, तो कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कूपन कोड बता देता हूँ, वो है गो करोना। राइट, गो करोना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। एनीवेज, आ जाते हैं यहां पे। मैंने एक शब्द जो है रिपीलिंग का वर्ड यहां पे आपको, आप सभी के सामने, काफी मर्तबा आप सभी के सामने उस चीज को दोहराऊंगा। उसका मतलब होता है निरस्त, यानी कैंसल कर देना, डिसमिस कर देना, सस्पेंड कर देना, रिवोक कर देना। तो आते हैं और वो खबर को देखते हैं जिस खबर की बात मैं आपसे किसको कर रहा था अभी। ये खबर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा हुआ है। इसमें ये कहा गया है, इस पहले सेंटेंस को आप लोग गौर करिएगा, एंड दिस मीन्स अ लॉट। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस टू ड्राफ्ट द लेजिस्लेटिव चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जिनको समझ नहीं आ रहा है, मैं बता दूं कि सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाया था ताकि वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो 1970 और 1980 का जो है, इनमें बदलाव कर पाए और इस कदर बदलाव करे कि प्राइवेटाइजेशन का रास्ता आराम से खुल जाए। और देखिए यहां पे क्या बोला गया है, द प्लान अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस इज टू ऑप्ट फॉर अमेंडिंग द रेलिवेंट लॉज इन वन गो। यानी एक ही गो में, जैसे कि जितना भी सरल इस चीज को बनाया जा सकता है ताकि प्राइवेटाइजेशन पे कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई लीगल हर्डल ना हो। तो ये मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हुआ था। मैं आपको बता दूं, कोई भी जो एक शेयर होल्डर होता है, यानी मैं बात कर रहा हूं एक नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर, यानी एक प्राइवेट, ठीक है, उसका वोटिंग राइट्स कैप जो होता है वो 10% तक का ही है। आपको ये भी बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये कहा गया था कि कोई भी शेयर होल्डर, एक बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, यानी इन बैंकों में जो भी पैसा लगाता है वो एक शेयर होल्डर कहा जाता है। राइट, तो ये एक्ट में ये कहा गया था कि उस शेयर होल्डर को 26% से ज्यादा वोटिंग राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो इस चीज पे भी ये चेंजेस किया जाएगा, यानी शायद 26% से बढ़ाने की भी बात की जा रही है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है दोस्तों। यानी डायरेक्ट आपकी लेजिस्लेटिव चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि बैंकों की जो निजीकरण है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस हो। राइट, तो बस यही खबर थी और एक बड़ा न्यूज है ये। हालांकि कभी कभी होता है कि बड़े बड़े न्यूज जो होते हैं वो छिप जाती हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी के सामने इस न्यूज को शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो जानकारी आप सभी को प्राप्त हो पाए। खैर, अगर आपने हमको टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट फरमाइश करके आप ढूंढ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़े तो फिर आप स्टूडेंट फरमाइश करके हमको ढूंढ सकते हैं और आप हमें बिल्कुल व्हाट्सएप तक भी पहुंच सकते हैं, 9178078190 पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत, शब आखेर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।